गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग किशन. साहब घर में? नो, ऑफिस में. गुड इवनिंग सर. ओह हेलो किशन, आ गया. ऊपर काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है. अभी ऊपर बारूद कितना है? 40 डिग्री. गुड, आज लाइक काफी है. किशन, ये काम खत्म होने पर मैं कंपनी में तुमको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, एकदम मालामाल हो जाएगा. थैंक यू सर. हम जानता है जो काम तुम कर रहा है बहुत डेंजरस, खौफनाक है. तोमर साहब, मैं तो इतना जानता हूं कि काम जिंदगी के लिए है और जिंदगी काम के लिए. काम जितना खौफनाक हो आदमी उतना ही बेखौफ हो जाता है. शाबाश, ये लो रुपए. और देखो किशन, कल ऊपर बारूद जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना काम रुकने का डर है. आप बेफिक्र रहिए. ये लो. और देखो सुल्तान, कल सवेरे जल्दी आ जाना, काम पे तेरा जल्दी चलना है. किसी का आदमी शाम को काम पर से घर लौटता है तो उसका स्वागत हंसकर किया जाता है, मुंह फुलाकर नहीं. लो ये रुपए. रखो ये अपने रुपए अपने पास. नाराज हो? तुम्हारी बला से. सच कहती हूं, ये काम छोड़ दो. काम छोड़ दूं? लेकिन क्यों? उधर तुम पहाड़ की चोटी पर बारूद पहुंचाया करते हो और इधर दिन भर मेरे दिल में बारूद उड़ा करता है. अगली काम छोड़ दूंगा तो फिर कहां से आएगा ये धन? मेरा धन बना रहे, मुझे और धन नहीं चाहिए. औरतों के दिल में बेकार के शक बहुत उठा करते. तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं. मुबारक हो, मुबारक हो. लो ये पेड़े खाओ. सेवक राम जी, पेड़े बांटना तो आपकी पुरानी आदत है, पर ये मुबारकबादी किस बात की दे रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो क्या आप पति बनने वाले हैं? पति नहीं, मामा बनने वाला हूँ और तुम बाप बनने वाले. क्या? मैं बाप? बाप? लेकिन इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया. इसने तो मुझे भी नहीं बताया. मुझे तो ये खबर लक्ष्योदाई ने दी है और इतनी सी खबर के 2 रुपए ऐठ लिए. भांजे साहब अभी आए हैं नहीं और जुर्माना होना शुरू हो गया. अच्छा तुम लोग मिठाई खाओ, मैं चलूं. अरे बैठिए तो. अरे भाई बैठने का वक्त नहीं. सुना है रामू और कल्लू में बकरी पर झगड़ा हो गया, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मामला पुलिस या अदालत तक पहुंच जाएगा. सेवक राम जी, आप दुनिया भर की चिंता करते हैं, कुछ अपनी भी तो चिंता कीजिए. मेरे भाई, जो दुनिया भर की चिंता करता है सारी दुनिया उसकी चिंता करती है. देखिए अब दुनिया की आड़ मत लीजिए. आप ही कहा करते थे कि जब तक हिंदुस्तान गुलाम है शादी नहीं करूंगा. अब तो हिंदुस्तान भी आजाद हो रहा है. हिंदुस्तान आजाद हो रहा है तो मुझे गुलाम क्यों बना रहे हो?
अब तक अंग्रेजों की गुलामी की, अब औरत की गुलामी करो, कमाल। सो गए? शायद किसी दिन वक्त पे निकलना भूल सकता है, लेकिन तुम सवेरे उठकर मेरे लिए खाना बनाना कभी नहीं भूल सकती। दोपहर तक तो ये खाना ठंडा हो जाता होगा। गीता, तुम्हारे हाथ का ठंडा खाना भी दुनिया भर के गर्म खानों से अच्छा है। झूठ। सच। अब जाओ। सुनो, शाम को घर कितने बजे आओगे? यही कोई 5-6 बजे। 5 बजे या 6 बजे? 5 बजे। ठीक 5 बजे? ठीक 5 बजे। अगर नहीं आए तो? देखो गीता, 9 बजने वाले हैं, मुझे देर हो रही है, नहीं आए तो जो सजा चाहे सो देना। तो फिर जाओ ना। जाओ। सुनो, शाम को खाना क्या बनाओ? अरे भी जो चाहो सो बना लेना। मसाले के करेले बनाओ? बना लेना। और साथ में घिया के कोफ्ते? ठीक है। अच्छा, शाम को चाय के साथ गोभी के पकोड़े बनाऊंगी। अच्छा, रात को मटर का पुलाव बनाओ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं। देखो गीता, 9 बज गए हैं और मुझे काम पे जाने के लिए देर हो रही है। तो फिर जाओ ना। कुछ और तो नहीं पूछना? हाँ, एक बात और पूछनी थी। पूछो, वो भी पूछ लो। मैं क्या पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि मैं... अरे वो देखो, बंदर तुम्हारे कपड़े लेके भाग रहा है। जल्दी से पिछले पहिए के पीछे पत्थर लगाओ।
क्या बात है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? बाबूजी, दिन से खील का दाना भी मुंह में नहीं डाला, पानी का घूंट भी नहीं पिया, ले खा ले। मुझे तंग मत करो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तंग मत करो। लेकिन कब तक भूखी रहेगी? जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मैं जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। गीता, जीना मरना आदमी के अपने बस की बात नहीं। लेकिन भैया, अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं है। तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद, तू समझती है कि तेरा पति मर गया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। हाँ गीता, वो जिंदा है, तेरे होने वाले बच्चे में उसकी छाया है, उसका रूप है, उसका रंग है, उसकी आत्मा है। तुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, बहुत बड़ा मकसद है तेरी जिंदगी का। हो जाएंगे, पर अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या बच्चा? हमारी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। हे भगवान, हरियाली को बर्बाद करने के लिए तो पाला ही काफी था, तूने ये बिजली क्यों गिरा दी? Sister.
सबर कर गीता, सबर कर, भगवान को यही मंत्र। नहीं। सबर कर। क्या बताऊं बहन, इस बेचारी पर तो मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा। एक ही आस लगाई थी, इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा सकती, सो वो भी पैदा होते ही दगा दे गया। यहाँ किसी का बस नहीं चलता शेखराम जी, यही एक जगह है जहाँ दुनिया भर के साइंस फेल हो गए। वैसे तो मैं रोज ही आता रहूंगा, फिर भी शहर में दंगा फसाद कर्फ्यू वगैरह चल रहे हैं। अगर किसी दिन किसी वजह से मैं, आप बेफिक्र नहीं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है, आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने, अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई, लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है, चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अब लाएं, आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा, खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की, डरती है हर पांव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल, आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है, हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा, आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है, किसके सर इल्जाम धरे हम,
आज कहां फरियाद करें हम, करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब है अपने ही भाई, सबके सब है यहां अपराधी, हाय मोहब्बत सब ने भुला दी, आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो, एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे, कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते, कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते, लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना, की है इसने जो आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। रिलीफ कमेटी से अभी तक कोई खबर नहीं आई, कई बार फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। आप खाना खा लीजिए। खुदा जाने क्या होने वाला है, टेलीफोन तक काम नहीं करता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब तो एक ही तरीका है, मैं खुद रिलीफ कमेटी में जाकर मदद लाने की कोशिश करता हूं। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे में बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन रजिया यूं कब तक बंद रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ भी हो, मैं आपको ये खतरा मोल न लेने दूंगी। मगर इस तरह फाका कशी करके मर जाने से तो कुछ भी अच्छा है। नहीं नहीं, खुदा न करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको खोकर जीना नहीं चाहती।
अगर जाना ही है तो आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी साथ चलूंगी। किस्मत में यही लिखा है तो खुदा का नाम लेकर सफर शुरू कर देंगे, जहां दम टूट जाएगा समझ लेंगे वही हमारी मंजिल है। रजिया, सफर तो हम कभी का शुरू कर देते हैं अगर नन्हे का ख्याल ना होता। इस नन्ही सी जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं रजिया? हेलो, यस, अच्छा जी, अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रजिया, रिलीफ कमेटी वालों का फोन है, हमें तैयार रहने को कहा है, उनकी गाड़ी किसी वक्त भी आ सकती है। क्या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अब तक बचाया है, तू आइंदा भी जरूर बचाएगा। तुमने खाया? झूठ, मुझे भूख नहीं है। लो खा लो, सफर लंबा है, पता नहीं दूसरी रोटी कब मिले कहां मिले। का बदला लेकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। रजिया, तुम ऊपर जाकर स्टोर रूम में छुप जाओ, मेरी फिक्र मत करो। ऐसे कैसे हो सकता है? दिमाग से काम करो।
क्यों वकील साहब, पहचाना मुझे? याद करो, 2 साल पहले तूने मेरे सगे भाई को फांसी के तख्ते पर चढ़वाया था। वो एक खूनी था और वकील की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। और अब मेरा फर्ज क्या है, इसलिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं। बाकी खानदान कहां? मेरे अलावा यहां और कोई नहीं। कोई नहीं। इनके अलावा और कोई है या नहीं? अरे यहां तो कोई नजर नहीं आता। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग। जब मुंह खुला जा आवाज निकले गला घूट दूंगा। अगर ऐसा करने से तुम्हें शांति मिल सकती है तो ये गला हाजिर है। बहुत परेशान मालूम होते हो, कौन हो? मेरा नाम इकबाल हुसैन है, इसी शहर में वकालत करता था। मौत से पनाह ढूंढने आपके घर आ पहुंचा। अच्छा किया, इसे मेरा नहीं अपना घर समझो, दोस्त का घर समझो, अपने भाई का घर समझो। लेकिन गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराओ नहीं, जब तक सेवकराम जिंदा है तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। शुक्रिया। इस घर की तलाशी? तलाशी? इस घर की आज तक किसी ने तलाशी नहीं ली। देखो सेवकराम, अगर हम तुम्हारा लिहाज करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे सिर पर चढ़ो। अगर तलाशी देना नहीं चाहते तो उस वकील के बच्चे को हमारे हवाले कर दो। कौन वकील? वही जिसे तुमने अपने घर में छुपा कर रखा है। मैंने किसी को नहीं छुपा रखा। सच कहते हो? मैं झूठ कभी नहीं बोलता। बहादुर, सेवक जी भगवान से डरने वाले सच्चे आदमी हैं, ये झूठ कभी नहीं बोलते। मुझे पता है कौन कितना सच्चा है। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? श्रीमद् भगवद गीता।
तो फिर इस गीता की कसम खाकर कह दो हम चले जाएंगे। क्यों सेवक राम चुप क्यों हो गए? क्यों भाइयों लो तलाशी? दुश्मन ही छुपा हुआ है। बहादुर जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं भगवत गीता की सौगंध खाकर कहता हूं यहां कोई दुश्मन नहीं छुपा। सेवक राम जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज आपको मेरी खातिर झूठ बोलना पड़ा। झूठ? झूठ तो ये भी है कि तुम इकबाल हुसैन और मैं सेवक राम सब इसी मट्टी से बने और इसी मट्टी में मिल जाएंगे। काश दुनिया इस सच्चाई को समझ सकती। कहां जा रहे हो? अब मुझे जाने दीजिए। लेकिन अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं। आप नहीं जानते कि मेरी बीवी और मासूम बच्चा मुझसे बिछड़ चुके। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या। घबराओ मत, मारने वाले के दो हाथ लेकिन बचाने वाले के हजारों हाथ। सेवक राम जी हो सकता है मैं आपकी तरह फरिश्ता ना हूं, या ये भी हो सकता है कि मौत और शैतान को जितने नजदीक से मैंने देखा है आपने ना देखा। मुझे तो लगता है कि आज बचाने वाले के सब हाथ कट चुके हैं, वो खुद मर गया है। वरना इंसान इंसान को इस बेदर्दी से न मारता। इंसान इंसान को मार सकता है लेकिन इंसानियत को नहीं मार सकता। आज का पागल इंसान जो कुछ कर रहा है कल उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बदकिस्मत मां अपने बच्चे के लिए दूर तक नहीं ला सकती। अब तू ही बता मैं क्या करूं? दुनिया वाले इसे मेरे साथ जरूर मार डालेंगे। दो जहां के मालिक आज बेकस और लाचार मैं तुझसे भीख मांगती है कि इस पर रहम कर। अब तू ही इसकी माँ है, मैं तो उस माँ से भी ज्यादा बदकिस्मत हूँ जिसे तूने माँ बनाया ही ना हो। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे मां बनाया ही क्यों?
और कोई काम नहीं है, आधी रात को जगा देता है। आ रहा हूं यार। ला दे दे पाओ से। गीता तू इस वक्त इतने सुबह तू अस्पताल से कैसे चली आई? अरे मैं पूछता हूं उनसे इजाजत भी ली है या वैसे ही चली आई? मैं पूछता हूं तू अस्पताल से? ये क्या है? बच्चा। अरे ये तो मैं देख रहा हूं, पर है किसका? मेरा। तेरा है? क्या पागल तो नहीं हो गई? कुछ भी समझ लो, इसे भगवान ने मुझे दिया है। अरे भाई बात क्या है, बताती क्यों नहीं? किसी का उठा तो नहीं लाई? कहीं कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ये मुसीबतें खड़ी करने नहीं आए, खत्म करने आया है। इस वक्त मैं अपनी बेकार जिंदगी को मौत में बदलने ही वाली थी, मुझे इसकी नन्ही सी चीख सुनाई दी, जिसने रेलवे इंजन के भयानक चीख को भी फीका कर दिया। जब मैं इसके पास गई तो ये मासूम फरिश्ता मेरी बेवकूफी पे रो रहा था, और जब मैंने इसे उठा लिया तो ये मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा हो क्या तुम मेरी माँ बन सकोगी? बन सकोगी मेरी माँ? मैं इनकार न कर सकी। पर तुमने इसका आगा पीछा भी सोच लिया है। ये सोचने वाली मैं कौन हूँ जिसने इसे मेरे पास भेजा है? आगा पीछा सोच कर ही भेजा हो। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तूने जिंदगी का दूध मौत के दूध से पहले ही भेज दिया। मालूम होता है इसे भूख लगी। छिन गई है इनकी बहारें, ये सारे इंसान लुटे हैं, इनके सब अरमान लुटे हैं, इनके सपने टूट गए हैं, साथी पीछे छूट गए हैं, ऐसे हाल हुए हैं इनके जैसे हो तूफान के तिनके। हाय सियासत कितनी गंदी, बुरी है कितनी फिरका बंदी, आज ये सब के सब नर नारी हो गए रस्ते के।
के भिखारी लुटे हैं लाखों सुहाग घरों के बुझे हैं लाखों चिराग घरों के पूछो आज कहेंगे ये मुखड़े कितनी चूड़ियों के हो गए टुकड़े देखो हमने घर को किस तरह बांटा है एक हाथ ने हाथ दूसरा काटा है लाखों प्राणी जुदा हुए लाचार बने अरे ये कैसा धर्म की जो दीवार बने तू अपने खुदा को याद दुश्मन हमारा हाथ से बचकर नहीं जा सकता वाह कितना मजबूत दुश्मन ढूंढा है जिसे मारने के लिए इतने बहादुरों को इकट्ठा होना पड़ा जा भाई तू अपना काम कर दुश्मन को छोड़ना हमने नहीं सीखा है तो फिर आज दुश्मन का खून करने से पहले तुम्हें अपने दोस्त के खून से हाथ रंगने होंगे इस वक्त जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो हमारा दुश्मन है हट जाओ ना खून हो जाएगा हट जाओ पागल ना बनो ये मजहब का मामला है मजहब वो कौन सा मजहब है जो नफरत करनी सिखाता है खून करना सिखाता है याद रखो मेरे अजीज मजहब ने इंसान को नहीं बनाया इंसान ने मजहब को बनाया है और जिसने इंसान को बनाया है उसका कोई मजहब नहीं खौफ खाओ उस परवरदिगार से जिसने तुम्हें पैदा किया है इसे पैदा किया है हम सबको पैदा किया है याद रखो दोस्तों
कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। आज जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, वरना आज की छोटी सी गफलत हमारे नाम पर, हमारे ईमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकती है, जिसको आने वाली हमारी नस्लें सदियों तक नहीं मिटा सकेंगी, और हमारा नाम दुनिया की तारीख में नफरत की स्याही से लिखा जाएगा। बंद करो ये बकवास भाइयों, ये पागल हो गया है, अपना फर्ज पूरा करो, हट जाओ सामने से। आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, भगवान आपके दीदी बच्चों को खुश रखे। करोगी पुलिस में लेकर, माफ कर दो इसे, कोई पागल मान लो। हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं। रजिया रो मत, रजिया रो मत। मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं क्यों जिंदा। रजिया रजिया रजिया, तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, कौन सोच सकता था कि ऐसी हालत में हम कभी यहां मिलेंगे रजिया। पर आप ये क्यों नहीं पूछते, अपने बच्चे का क्या हुआ, वो कहां है? रजिया, खुदा ने जितना दिया है उससे ज्यादा क्यों नहीं दिया, इसके लिए मैं रोना नहीं चाहता, आखिर बच्चा भी तो उसी की अमानत। नहीं, नहीं, हमारा बच्चा जिंदा था, मुझे उसे छोड़ना पड़ा ताकि वो बच जाए, न जाने मेरे लाल कहाँ होगा, कैसा होगा, होगा। रजिया, ऐसी बात मुंह पर मत ला, तू माँ है पगली, तेरी दुआएं उसके साथ हैं, वो जरूर होगा, और जहां भी होगा खुश होगा। रजिया, Mm-hmm.
एक आया, मेरी अमावस ने अचानक प्यार पूनम का पाया, मेरे अंधेरे घर में चांद एक आया। इसके संग है शायद मेरा कोई पुराना नाता, इसके संग है शायद मेरा कोई पुराना नाता, वरना ये अनजान खिलौना कैसे इस घर आता, दुनिया के दाता ने देखो फिर से हमको मिलाया, मेरे अंधेरे घर में चांद एक आया, मेरे अंधेरे घर में चांद एक आया। तेरी माँ देख लेगी तो तुझे मारेगी। देखो मामा, अगर अब घोड़ा
थी मैं। बताऊं? बताऊं? चवन्नी इस मुट्ठी में है। क्यों बे? मुझे उल्लू बनाता है? बन घोड़ा बन। रात को बनूंगा, रात को। रात को बनूंगा? नहीं नहीं नहीं, अभी बन। अरे अरे, देर हो जाएगी, मैं बकरी का दूध लेने जाना है। देर हो जाएगी, बकरी का दूध लेने जाना है। चल बकरी का दूध लेने चल। चल माँ, मुझे चवन्नी वहां दे दो। क्यों, क्या करोगे? मैं मामा के लिए जलेबी लाऊंगा। मामा की बहुत फिक्र है, माँ की कुछ नहीं। मामा तो दो माँ के बराबर होता है ना? वो कैसे? माँ माँ मामा, माँ माँ मामा। जो मामा ने रटा दिया तोते की जरा रट लेता है। ले। वैसे तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये आप इन्हें समझाइए। 5 साल से बेकार दवाई पर दवाई खिलाया जा रहे हैं। वाकई मिस्टर इकबाल, अब ये दवाइयां वगैरह फजूल सी हैं। आप तो अपना इलाज खुद कर सकती हैं। जरा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। मैं तो खुश हूं, मुझे दुखी क्या है? खुदा ने मेरा खाविन मुझे वापस दे दिया, उनका रोजगार फिर से चला दिया, मुझे और क्या चाहिए? तो जाहिर है निहायत कमजोर हो गई हैं। मिस्टर इकबाल, दवाइयां भी मरीज की तभी मदद करती हैं जब मरीज अपनी मदद खुद करे। पांच साल से बराबर देख रहा हूं, दिन ब दिन घुलती जा रही, अगर यही हालत रही तो आखिर कब तक जिंदा रहेगी? जिस मायूसी और सदमे को इन्होंने अपनी रगरग में भर लिया है उसे देखते हुए तो इन्हें जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। शायद अपने बच्चे का ख्याल ही इन्हें अब तक जिंदा रखे है। मिस्टर इकबाल, चाहे इनकी झूठी तसल्ली के लिए ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, क्या इन्हें इस हालत में इतनी दूर ले जाना मुनासिब होगा? इस हालत में इस तरह पड़े रहने देना भी खतरनाक है। रजिया, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर अब भी तुमने अपने आप को न संभाला तो फिर तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया है, 5 साल से आपका कोई ख्याल नहीं रखा, कोई खिदमत नहीं की, बल्कि आपके सीने का बोझ बन गई। रजिया, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी दुआएं मांगी कि परवरदिगार मुझे उठा ले, लेकिन मरना भी तो अपने हाथ के पास नहीं। वो सोने की घड़ी होगी जब मैं रोज दुनिया से नाता टूटने का। रजिया, ऐसा ना कहो। रजिया, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। काश मैं तुम्हारी खुशी वापस ला सकता,
मेरा दिल कहता है कि हमारा बच्चा जिंदा है। खुदा करे ऐसा ही हो रजिया, लेकिन जरा सोचो तो, जिस खौफनाक तूफान में बड़े बड़े मजबूत दरख्त गिर गए, वहां एक बेसहारा नन्ना सा फूल कब तक ठहरा होगा, कैसे ठहरा होगा? रजिया, रजिया, ऐसा लगता है ये सब नामुमकिन है। नामुमकिन तो मेरा बचना भी था और आपका भी, इससे भी ज्यादा नामुमकिन था हम दोनों का इस तरह मिलना। जिस परवरदिगार ने इतनी नामुमकिन चीजों को एक साथ मुमकिन कर दिखाया, क्या वो इतनी सी मेहरबानी और नहीं कर सकता? लेकिन 5 साल बाद उसे ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे समुंदर में सुई को ढूंढना। वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी मोहब्बत का फूल है। हर माली अपने फूल की खुशबू पहचानता है। आप मुझे एक बार उस बागीचे तक पहुंचा दीजिए, मैं भी अपने फूल को पहचान लूंगी, जरूर तलाश कर लूंगी। सफर की थकान से तुम्हारा बुखार फिर तेज हो गया है। तुम यहां आराम से लेट जाओ, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी हरारत है, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रजिया, इसने तुम्हारे दिल... आप बिल्कुल रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुछ पता लगाने की कोशिश कीजिए ना।
राजू, क्या तुम्हारा जी अच्छा नहीं है? अच्छा है। कहाँ अच्छा है? लो, मैं काम करूँ, ये दूध पी लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? बकरी का दूध है, देखो बड़ा मीठा है। देखो नहीं पियोगे तो मैं रुक जाऊंगा, मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ। पीलो ना, पीलो 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 पीलो। क्यों, मजा आया ना? बड़ा अच्छा है। अरे सारा दूध तो तुमने मुझे पिला दिया, अपनी माँ से क्या कहोगे? माँ से कहूंगा एक औरत का जी अच्छा नहीं था, उसे पिला दिया। वो नाराज नहीं होगी? मेरी माँ कभी नाराज नहीं होती। बड़ी अच्छी है तुम्हारी माँ। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा खो गया है क्या? हाँ बेटा, यहाँ मेरा बहुत कुछ खो गया है। ये जगह ही ऐसी है, मेरी भी यहाँ एक दिन चवली खो गई थी। फिर मिली? हाँ, ढूंढने तो मिल गई। तुम्हारी भी क्या चवली खो गई है? क्या रुपया खो गया है? तो फिर क्या खो गया है? बड़े प्यारे बेटे। बेटा तो मैं अपनी माँ का हूँ। चलो तुम हमारे घर चलो, वहाँ पर चूरन की गोलियाँ हैं, उन्हें खाते ही तुम्हारा जीव छोड़ जाएगा। चलो चलो ना। नहीं बेटे, मैं फिर कभी आऊंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम घर जाओ। आना जरूर, भूलना नहीं। जरूर आऊंगी। कैसे होगी, तुम्हें हमारे घर का पता है? बता दो। बास वाली गली में राजू की माँ का मकान पूछ लेना, समझे? बांस वाली गली में राजू की माँ का मकान। हाँ, भूलना नहीं। राजू यहाँ। अब जाओ। लौट आने दे तेरे मामा, तेरी शिकायत करूंगी। माँ कुछ पूछो मत, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। क्यों, क्या हुआ? अरे बोल तो, हुआ क्या? रास्ते में एक औरत बीमार पड़ी थी बेचारी, मैं नहीं पहुंचा, मर जाती बेचारी। मैंने उसे दूध पिलाया, उसे होश आ गया। तू भी अपना नाम सेवकराम रख ले। माँ वो बड़ी अच्छी औरत थी, कहने लगी तुम मेरे बेटे बनोगे। खबरदार जो ऐसे वैसे औरतों के पास गया तो, अगर वो तुझे उठा कर ले जाती तो कल से तेरा अकेले जाना बंद। बात नहीं करती। माँ तुम तो मुझे दूध पीता हुआ बच्चा समझती हो। दूध के बच्चे, अब खुद क्या पिएगा? दूध तो सारा अपनी माँ को पिला दिया। हटो, मेरी माँ वो क्यों होने लगी? मेरी माँ तो तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। हाँ हाँ हाँ, मैं सब दरवाजे खटखटा चुका हूं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आप सेवकराम जी का जिक्र किया करते थे,
इस मामले में उनसे कुछ मदद नहीं ली जा सकती? मैं उनके घर भी गया था, लेकिन वो शहर से बाहर गए हुए, और अगर वो यहाँ होते भी तो क्या कर सकते थे? 8 महीने के दूध पीते बच्चे को हम छोड़कर गए थे। इस बात का सबूत है, रजिया हमारे बच्चे को इस वक्त हमारे सामने मिला के खड़ा कर दिया जाए तो ना हम उसे पहचान सकते हैं ना वो हमें पहचान सकता है। देखो रजिया, कुछ चीजें इंसान की ताकत के बाहर होती हैं, ऐसी हालत में सबर ही करना पड़ता है। अव्वल तो हमारा यहां आना ही बेवकूफी थी, अब ज्यादा ठहरना और भी बड़ी बेवकूफी होगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें यहां ले आया था, पर इस नाजुक हालत में वापस जाना ही मुनासिब है। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो कुछ नहीं रजिया, लेकिन कोई बात बने या उम्मीद दिखाई दे तो मैं जिंदगी भर यहां ठहरने को तैयार हूं, लेकिन बेकार अपनी खराब तबीयत को और कहां तक खराब करोगी? मेरी मानो तो वापस लौटना ही ठीक है रजिया। खुदा की मर्जी ही इंसान की किस्मत है, उसके सामने कुछ नहीं हो सकता रजिया, कुछ नहीं हो सकता। खामोश तुम्हार, मैं उसे तेरे सपोर्ट कर गई थी, कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि वो जिंदा भी है या नहीं। इतना बड़ा फल दिया है, इतना बड़ा फल दिया है कि मैं तुझे क्या बताऊं। पाक जगह की इबादत करने एक औरत बच्चे को लेकर वहां आई थी और उसने बच्चे को उठाकर कहा, इस पेड़ ने मुझे इतना बड़ा फल दिया है,
इतना बड़ा फल दिया है कि तुझे क्या बताऊं। तुमने उस औरत से बात की? अभी नहीं। तो फिर चलो अभी की लेते हैं। आप नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। मेरा अकेले जाना ही ठीक है। लेकिन तुम्हें उसका पता मालूम है? मालूम है। आपके दरवाजे पर आई हूँ, एक मुसीबत ज्यादा औरत हूँ। बहन, मैं तो किसी लायक हूँ नहीं जो आपकी कुछ मदद कर सकूँ। लेकिन दुनिया में मेरी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ऐसी भी क्या बात है, आइए अंदर आइए। बैठी, मेरे हाथ में कुछ हुआ तो जरूर करूंगी। कहिए। 5 साल पहले की बात है, रेलवे लाइन के पास जो पेड़ है, कोई औरत वहां अपना बच्चा छोड़ गई थी। सुना है वो बच्चा आपके पास है। वो बदकिस्मत औरत मैं हूं। अब क्या चाहिए? मैं आपसे अपने घर की रोशनी मांगने आई हूं। माँ के दिल को आप अच्छी तरह समझ सकती हैं, आप खुद माँ हैं। लेकिन तुम माँ नहीं हो। अगर तुम माँ होती तो इस बेसहारा मासूम कली को मुरझाने के लिए नहीं छोड़ जाती, इस पाप के डर से तुम इसे वहां फेंक देती। और अब क्या हो गया जो मांगने आई? नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मुझे दुनिया के पाप के डर से इसे छोड़ना पड़ा, इसकी जिंदगी के लिए छोड़ना पड़ा। अगर मैं मर जाऊं तो ये जिंदा रह सके। मेरी मौत अटल थी, लेकिन मौत मुझ पर इसलिए मेहरबान हो गई कि मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाए। बहन, तुम ही सोचो, कोई भी मां जीते जी अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? और अगर उसे छोड़ना पड़े तो वो मजबूरी क्या होगी? मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, और अब इसका पता चल जाने के बाद इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने इसे जन्म दिया है और मैंने इसे जिंदगी दी है। जिंदगी के लिए मन्नतें मांगी, व्रत रखे हैं, इसका कान भी गर्म हुआ है तो रात रात भर जागी हूं, खिले में सोई हूं, इसे सूखे में सुलाया है। मुझे आपकी हर कुर्बानी का एहसास है,
इसीलिए आपके पास आई हूं। मेरा मुंह नहीं पड़ता कि इस बात के लिए कानून का सहारा। कानून इस बात का फैसला क्या करेगा? इस बच्चे की मासूम आंखें खुद इस बात का फैसला कर देंगी कि कौन इसकी मां है। जब से इसने आंखें खोली हैं, मुझे को मां के रूप में देखा है। तुम इसे किस हक से मांग सकती हो? मैं हक जतलाने नहीं आई बहन, मैं तो भीख मांगने आई हूं। आपने जो कुछ किया कोई फरिश्ता ही कर सकता है, लेकिन मैं भी क्या करूं? 5 साल से घुल घुल कर मर रही हूं। मैं दामन फैलाकर भीख मांगती हूं, मुझ पर रहम कीजिए, रहम कीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूं। क्या तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या खोकर इसे पाया है? कितने दिनों तक मैंने आंसू बहाए हैं। अगर भगवान ने 2-4 घड़ियां मुस्कुराने का मौका दिया है तो वो घड़ियां मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं पागल हो गई हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। इस बच्चे को पाने का एक ही रास्ता, वो क्या? भगवान से मेरी मौत के लिए प्रार्थना करो, और जब मैं मर जाऊं तो तुम आकर इसे ले जाना। मैं तो आपके दरवाजे पर बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, जरा ठंडे कलेजे से फिर मेरी हालत पर गौर करिएगा। मैं इंडिया होटल में ठहरी, मेरा नाम रजिया। बच्चा हमारा नहीं निकला ना? ऐसा ही समझ लीजिए, वो हमारा होटल भी हमारा नहीं। क्या मतलब? वो वापस करना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्चा है किसका? वो तो हमारा ही है। सच? इस बात से तो वो भी इनकार नहीं करती। उसकी मिन्नतें की, हाथ जुड़े पांव पड़ी ले। घबराओ मत रजिया, खुदा ने हमारी सुन ली है। जिस चीज की ख्वाब में भी उम्मीद न थी परवरदिगार ने उसे भी पूरा कर दिखाया। तीन दिन में बच्चे को लाके तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। खुदा और कानून दोनों हमारे साथ। चाहता तो नहीं था कि इस बात के लिए कानून का सहारा लिया जाए, लेकिन अब और कोई सूरत नजर नहीं आती। कौन सी जगह बच्चे को छोड़ा था? रेलवे लाइन के पास कोई पेड़ है, उसके नीचे। मिस्टर इकबाल, ये तो बिल्कुल सीधा केस है। जिस दिन आप चाहें बच्चा आपको वापस मिल सकता है।
थैंक यू मिस्टर भार्गव, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मिस्टर अखबार जी, इस केस के लिए आपको कोई दूसरा वकील करना होगा। दूसरा वकील? लेकिन क्यों? बात यह है कि जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे दोस्त शेवकराम की विधवा बहन के पास है। शेवकराम की विधवा बहन? आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आप कैसे जानते हैं ये सब? जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बांस वाली गली में उनका मकान है, बच्चे की उम्र 5 साल की है और उसका नाम राजू है। ये नहीं, आप मिस्टर गुप्ता के पास चले जाइए। ये तो सिर्फ एक पेशी का मामला है, आपका बच्चा आपको वापस मिल जाएगा। ये लीजिए उनका पा। क्या मतलब? कानून भी क्या हमारे बच्चे को वापस नहीं दिला सकता? दिला सकता है, लेकिन बात कानून की हद से बाहर जा चुकी है। साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रजिया, मैंने तुम्हें शेवकराम के बारे में बताया था ना, वो औरत रजिया जिसके पास हमारा बच्चा है, शेवकराम की विधवा बहन है। आपका मतलब है मैं चुप हो जाऊं? लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं रजिया, उस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मेरा मुंह लोगों के सामने नहीं खुल सकता है, नहीं खुल सकता। अगर एक बार कोई किसी की जान बचा दे तो उसे दोबारा उसकी जान लेने का हक नहीं मिल जाता। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद वकील के पास जाऊंगी, खुद मुकदमा लड़ूंगी, जैसा भी होगा अपना बच्चा।
अगर लोग इंसानियत के कानून मानते तो दुनिया की तमाम अदालतें बंद हो जाती। Thank you.
प्रभु कुछ कहना, लेकिन मुझको पत्थर मत कहना। जिस दिन पूछे तुझसे जमाना, तो बस इतनी बात बताना, मैं तेरी कोई नहीं रे, तेरी कोई नहीं। मुझसे बिछड़ के दिल दुखाना बेटा, मुझको भूल जाना, मैं तेरी कोई नहीं रे, तेरी कोई नहीं। बेटा मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अच्छा राजू लो पी लो। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। माँ के पास जाओगी? नहीं, मैं माँ के पास नहीं जाऊंगा। माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं मामा के पास जाऊंगा। ऐसी हालत में बच्चे को वापस ले जाना ठीक होगा? ठीक क्यों नहीं होगा? बच्चा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, खुदा ने बच्चा वापस दिया है, तो ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। खुदा ने तो महसूस करने के लिए दिल दिया है और सोचने के लिए दिमाग भी। सोचो रसिया, क्या ये बच्चा हमारे पास खुश रह सकेगा? और अगर ये खुश ना रह सका तो क्या तुम खुश रह सकोगे? और फिर ये बच्चा क्या तुम्हें अपनी माँ मान सकेगा? रसिया कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ नहीं मानेगा, वो मेरा खून है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और जिसने उसे सब कुछ दिया है उसका कुछ नहीं, उसका इस पर कोई हक नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरे दिल में उसके लिए कितनी इज्जत है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। अगर दौलत होती, जायदाद होती, जमीन होती, तो मैं उसका हिस्सों से दे देती, पर मैं इस बच्चे का बंटवारा कैसे करूं? देखो रजिया, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब खोकर ही कुछ मिलता है। आज हमारे इम्तिहान का वक्त है, कल तक उन लोगों ने कुर्बानी की थी, आज हमें कुर्बानी करनी चाहिए। आप मुझे कितना भी मतलब ही समझे, मैंने तो बरसों से दुख ही दुख देखा। मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहूंगी, अभी आपके हाथ में मेरा जिस्म उसके साथ रखनी है मेरे लिए। रजिया
ये बच्चा ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये तो धरती की औलाद है। ये जहां भी रहेगा यही पैगाम लेकर बड़ा होगा कि इंसानियत ही इंसान का सबसे बड़ा मजहब है। और बहन ये कभी मत समझना कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं, जब कभी तुम याद करोगी हम सात समुद्र पार करके भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अमर रहे